और अहम खबर पाकिस्तान से है। एससीओ समिट में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान पर प्रहार किया है। आतंकवाद, कट्टरवाद, अलगाववाद, एससीओ के लिए चुनौती है। इस बात का जिक्र भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से किया गया। बेहतर रिश्ते हो इसके लिए भरोसा जरूरी है, यह कहा है एस जयशंकर ने। पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण की नसीहत भी भारत ने दी। अच्छे पड़ोसी की भावना कहीं गायब है, यह कहा। बिना नाम लिए चीन को भी नसीहत दी गई है। सहयोग का आधार एक दूसरे का सम्मान हो, यह बताया गया है। सबकी संप्रभुता का सम्मान जरूरी है, यह कहा गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से। राणा तारिक इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राणा, किस तरह से देखा जा रहा है विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से जिन बातों का, जिन नसीहतों का जिक्र किया गया है, खास तौर पर चीन और पाकिस्तान के लिए, उसे कैसे देखा जा रहा है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, बुनियादी तौर पर ये एससीओ समिट जो है पाकिस्तान में कोई बड़ा इवेंट एक अरसे के बाद जो है वो होने जा रहा है। आज एससीओ जो है मुनक्किद हो रही है इस्लामाबाद में। 10 से जायद मुस्तकिल मेंबर जो है एससीओ में इस शिरकत कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर जो हैं उन्होंने भी खिताब किया, क्योंकि इब्तदाई कलमात जो हैं वो वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अदा किए गए। उसके बाद कॉन्फ्रेंस का बाबता तौर पर आगाज हो गया और उसमें मंगोलिया, कजाकिस्तान और चाइना के अब तक सरबराहान मुमलिकत ने खिताब कर चुके हैं, जबकि भारतीय वजीर खारजा एस जय शंकर की जानिब से जो खिताब किया गया तो उनकी जानिब से बारहा ये पैगाम जो है वो पहुँचाया गया पाकिस्तानी हुकूमत तक और हमसायों तक कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब तक आप अपने हमसायों के साथ जब अच्छे सलूक की तवक्को करते हैं तो आपको भी अच्छा सलूक जो है वो अख्तियार करना पड़ेगा। बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो मीडिया के नुमाइंदगान, इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद जो है इस वक्त मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद है, उनकी जानिब से भी यही कहा गया कि भारतीय वजीर खारजा की तरफ से जो पैगाम दिया गया है, आया पाकिस्तानी हुकूमत उसको अडाप्ट करती है या नहीं करती, ये तो हम कबल वक्त नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जो वजीर खारजा की तरफ से जो खदशात और तहफुजात का इजहार किया गया है उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलनी चाहिए और अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए। जब तक, क्योंकि भारत किसी भी भारतीय वजीर खारजा का 9 साल बाद पाकिस्तान का ये दौरा है। लेकिन राणा, ये भी कहा गया है जयशंकर की तरफ से, हमारे विदेश मंत्री की तरफ से, कि इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है टेररिज्म का, वो है सेपरेटिज्म का, वो है कट्टरवाद का। क्या मौजूदा जो पाकिस्तानी हुक्मरान हैं वो इन मुद्दों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार हैं? ये भी एक बड़ा सवाल। जी बिल्कुल, आपका सवाल जो है वो बिल्कुल मुनासिब है और ये अब तक हम पाकिस्तानी मीडिया भी करता रहा है, क्योंकि पाकिस्तान गुज़श्ता 40 बरसों से ज़ायद अरसा पर मुहित है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, अफगानिस्तान अफगान जंग हो, चाहे वो सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात हों। पाकिस्तान में इस वक्त तालिबान के साथ जो महाजराई चल रही है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। जगह जगह दहशतगर्दी के वाक़यात पर हो रहे हैं, हमारे हमारे जो अस्करी जवान हैं, हमारी फोर्सेस के जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, तो उनको उनकी जान की हिफाजत के लिए जो है, आवाम की हिफाजत के लिए जहां पर बहुत बड़ा काबू पाया गया है दहशतगर्दी पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर जो खतरात से उन पर बहुत ज़्यादा काबू पाया गया, लेकिन सरहद पार यानी खास तौर पर अफगान साइड से जो पाकिस्तान में दरअंदाजी की जा रही है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और हम उस पर शुक्रिया शुक्रिया राणा आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। बेहतर रिश्तों के लिए भरोसा बहुत जरूरी है दोनों मुल्कों के बीच, ये साफ तौर पर बता दिया गया है, लेकिन उसके लिए एक्ट करना होगा पाकिस्तान को टेररिज्म के खिलाफ, वो टेररिज्म जो खुद पाकिस्तान के लिए भी नासूर बन चुका है।